बीते दिनों जब हर हर महादेव देखने गई तो फिल्म के कहानी के प्लॉट ने बहुत देर तक मुझे उलझाए रखा। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आइए लेकर चलती हूँ मैं आपको उस उलझन में जिसमें मैं उलझी हुई थी। मैं उसे देखने के बाद यही निश्चय नहीं कर पा रही थी कि ऐसी परिस्थितियों से बाकी मेवाड़ी कैसे लड़ते थे। यह शौर्य गाथा तो महान छत्रपति शिवाजी और महान बाजी प्रभु देश पांडे की थी, तो वो इतनी भव्यता से लड़े और जीते भी, लेकिन बाकी मेवाड़ी क्या करते होंगे जो इतने सशक्त नहीं थे जब उनके किले के चारों तरफ से आक्रांताओं की सेना घेर लेती होगी। कई ऐसे मेवाड़ी और राजस्थान के व्यूअर्स होंगे जो मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सवालों के जवाब और इस उलझन के सॉल्यूशन भी उनके पास होगी। मैं आपको बताती हूँ, बलिदानी इतिहास है हमारा, कितने ऊंचे पूर्वज थे हमारे। आप योजना कर इतने प्रति आस्था श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएंगे ये सुनकर कि क्या सुझाव निकालते थे उस वक्त जब आक्रांता अपने साम्राज्य विस्तार, लूटपाट और हवस के नशे में अंधा होकर ऐसा जाल बिछाते थे जहां आत्मसमर्पण ही एकमात्र रास्ता बच जाता था। जीवित रहने के लिए तो ये मेवाड़ी मृत्यु के गले लगाते थे, लेकिन मेवाड़ी काल के गाल का ग्रास बनने उससे पहले जो होता था वो अगर आप जान जाएंगे और अगर आपको लेश मात्र भी अपनी सनातनी संस्कृति से जुड़ाव है तो मेरा दावा है कि आने वाली, जी हाँ आने वाली कई रातें आपकी अब इस वीडियो को देखने के बाद से बेचैनी में गुजरेंगी। अब इस वीडियो को अंत तक अवश्य तक देखिएगा और सुनने की हिम्मत हो तो जब भी ऐसी परिस्थिति आती थी तो गर्वित जीवन के सारे रास्ते बंद कर देती थी, तब मृत्यु ही एकमात्र गर्वित विकल्प रह जाता था। था मेवाड़ियों के लिए लेकिन एक चिंता उन्हें मरते हुए भी अंदर ही अंदर कमजोर करती थी। बलिदान के बाद उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनकी बेटी को आताताइयों के हाथों बोटियां बनने से कौन बचाएगा? यह चिंता कैसी है यह अपने आप को मर्द कहने वाला पुरुष समाज जानता है। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तब की कल्पना ही रोंगटे खड़ी कर देती है कि बलिदानी मेवाड़ी के माँ, बहन, बेटी, पत्नी के साथ मजहबी आक्रांता क्या क्या करते होंगे। इस बात का अगर एक विचार भी आपके हृदय में आती है, उस विचार के मात्र उस कल्पना से ही शायद आपका हृदय कांप जाता होगा। यह चिंता उन्हें संपूर्ण पुरुषार्थ दिखाने से रोकती थी, उन्हें कमजोर करती थी। अब एक बात सोचिए, विचार कीजिए कि एक मेवाड़ी के लिए मृत्यु अमरता का रास्ता है और आत्मसमर्पण तिरस्कार पूर्ण जीवन का, लेकिन मृत्यु पाकर जो स्वयं अमर हो जाए और अपने पीछे अपने घर की महिलाओं को, अपने घर के इज्जत सम्मान आबरू को बर्बाद होने के लिए अकेला छोड़ जाए, उसके लिए अमरता का क्या अर्थ है, अमरता का क्या तात्पर्य है? आप जानते हैं कि वो इस धर्म संकट से बाहर आने के लिए क्या करते थे? आप अपनी बहन, बेटी, माँ, पत्नी को आग के हवाले कर देते थे, जी हाँ, जिसे कहते हैं जौहर। ये बात शायद बहुत लोगों को पता हो, जौहर के बाद उनकी बहन, बेटी, माँ, पत्नी को देह जलकर, उनका देह जलकर राख हो जाए, राख हो जाता था, उसे अपने मस्तक पर लगाकर युद्ध को जाते थे ताकि मन से ये डर निकल जाए कि हमारे वीर गति के बाद हमारे घर की देवियों का क्या होगा। कभी माचिस की एक तिल्ली जलाकर उसके लौ पर उंगली रखकर देखिएगा और फिर कल्पना करिएगा कि 50 फीट तक, जी हाँ 50 फीट तक उठती लाल अंगारों से भरी जौहर कुंड में माँ भवानी का नाम लेकर ऐसे ही महिलाएं कूदती होंगी। उनकी हिम्मत की कल्पना कर सकते हैं? है आपके अंदर इतनी हिम्मत? कभी सोचिएगा कि जिस माँ की हाथ पकड़कर हम चलना सीखते हैं, जिस बहन की गोद में हम बड़े होते हैं, जिस पत्नी के साथ से हम सबल होते हैं और जो बेटी हमें समृद्ध बनाती है, उसे अगर आग के हवाले करना हुआ तो अंदर कितना कुछ टूटेगा, कितनी बार टूटेगा। टूटेगा तो मैंने कम कहा है मेरे दोस्तों? क्या अंदर कुछ रह भी जाएगा?
इतिहास की किताबों ने अगर हमें बस ये बताया होता कि हम कैसी माओं के संतान हैं, हमारी अब्याही बुआएं, हमारी दादियां कैसी थी, तो मजाल की सड़क पर कोई मवाली हमें छेड़ देता। आत्मसमर्पण करना तो हमारा इतिहास ही नहीं रहा है। अपने छोटे छोटे सिद्धियों के लिए झट से फ्रेंड्स विथ बेनिफिट बनाने वाली लड़कियों का आदर्श अगर ये मेवाड़ी दादियां होती, मेवाड़ी माताएं होती, मेवाड़ी बहनें होती, तो 4 साल 5 साल बाद मीडिया के सामने आकर उन्हें ने ये नहीं कहना पड़ता कि फलाने ने मेरा शारीरिक शोषण किया है, मेरे साथ मीटू हुआ है। किसी बाप की नाजायज औलाद के नसों में इतना नशा नहीं होता कि वो लड़कियों को अबला समझे या खुली हुई तिजोरी, खुली हुई खजाना। लेकिन लड़कियों का भी क्या ही दोष, हीरोइनों के बाथरूम से लेकर उनके कुत्ते तक कवर कर लेने के लिए जान देते ये मीडिया कभी फुर्सत निकालकर अगर इन कहानियों को दिखाती तो शायद बात ही कुछ और होती, शायद हमारे देश की बेटियां फिर अबला नहीं होती। मीडिया वक्त निकालकर कभी ऐसे जौहर स्थल पर जाती है और उस तपिश को एक बार, सिर्फ एक बार महसूस कराने का प्रयास तो करती, तो किसी मीटू कैंपेन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हमारे देश में। शादी के 7 महीने 22 दिन के अंदर माँ बनने की अभूतपूर्व अकल्पनीय सफलता पाने वाली आलिया भट्ट जब तक लड़कियों की आइडल बन रही हैं, तब तक छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज के नाम पर वो अपना आत्मसम्मान यूं बेचती रहेंगी, और फिर जब कुछ नहीं बच जाएगा बेचने के लिए उनके पास, तब ये कहेंगी कि फलाने ने फिल्म दिलाने के नाम पर शोषण किया। बहुत सारी लड़कियों को शायद अब ऐतराज होगा, आपत्ति होगी मेरे इस स्टेटमेंट से, पर दोस्तों जौहर की गाथा हो या साका की, यह जब तक सब तक नहीं पहुंचता हमारा रुकना भी अधर्म है, क्योंकि ये बात हम सभी सनातनी जानते हैं, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो आप रुकिएगा नहीं, झुकिएगा नहीं, हमारी बहन बेटी अबला नहीं है। जो बहन बेटी ये चीज नहीं समझ पा रही है, ये आप समझ चुके हैं, तो आप उन तक समझाइए, पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हम यूं ही वीडियो और ऐसे कंटेंट लाते रहें हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा सहायक बने। जय हिंद, वंदे मातरम।